हर मराठा पागल है स्वराज का, शिवाजी राजे का, भगवे का। नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे सुपरस्टार अजय देवगन के अपकमिंग फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर के ट्रेलर के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। तो दोस्तों, तानाजी द अनसंग वॉरियर जो कि एक हिस्ट्रिकल ड्रामा एक्शन फिल्म है, जिस फिल्म को डायरेक्ट किया है ओम रौत ने, और फिल्म के लीडिंग स्टार कास्ट में है 2-time नेशनल अवार्ड विनर हमारे अपने सिंगम साहब यानी कि अजय देवगन सर, और उनके साथ में है सैफ अली खान और शरद केलकर। इसके अलावा दोस्तों इस फिल्म में हमें कैमियो देखने को मिलेगा हमारी अपनी काजोल मैम का। दोस्तों बात की जाए फिल्म के बारे में, तो आप सब जानते होंगे कि इस फिल्म की कहानी बेस्ड है हमारे इंडिया के महान योद्धा मराठा वॉरियर तानाजी मलसूरे के जीवन पर। जी हाँ दोस्तों, तानाजी मलसूरे जो कि एक बहुत बड़े योद्धा थे, लेकिन बदकिस्मती से हमें कभी इनके बारे में बुक्स में नहीं पढ़ाया गया। जी हाँ दोस्तों, हमारे इंडिया में जो हमें बचपन में पढ़ाना था, जो हमारे महान योद्धा थे जैसे शिवाजी महाराज हो गए, तानाजी मलसूरे हो गए, महाराणा प्रताप हो गए, पृथ्वीराज चौहान हो गए, इनके बारे में हमें बुक्स में कुछ नहीं पढ़ाया। लेकिन फाइनली अब अजय देवगन और अक्षय कुमार इन महान योद्धाओं को हमें बड़े पर्दे पर परोस रहे और उनकी कहानियां हमें दिखा रहे। तो इसलिए तो सबसे पहले अजय देवगन और अक्षय कुमार को ढेर सारा धन्यवाद, क्योंकि फाइनली कुछ तो बॉलीवुड के एक्टर ऐसे सामने आए जो हमारी हिस्ट्री सही तरीके से हमें बता रहे हैं। तो दोस्तों अब अगर बात करें हम इस ट्रेलर के बारे में, तो दोस्तों ट्रेलर की पॉजिटिव बातों पे नजर डाले तो तानाजी द अनसंग वॉरियर की सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज तो यह है कि इस फिल्म के स्टार कास्ट, जी हाँ दोस्तों, फिल्म की जो स्टार कास्ट है काफी सॉलिड है, यानी कि अजय देवगन जैसे एक बहुत बड़े एक्टर, साथ ही साथ सैफ अली खान जैसा एक परफेक्ट एक्टर है, इसके अलावा काजोल मैम और शरद केलकर, मतलब जो फिल्म के स्टार कास्ट है वो ही काफी सॉलिड है। वही दोस्तों बात करें ट्रेलर की दूसरी पॉजिटिव चीज के बारे में, तो इस फिल्म की दूसरी पॉजिटिव चीज ये है कि इस फिल्म की कहानी सेम वही दिशा में जा रही है जिस तरह से इसे जाना चाहिए था, यानी कि फिल्म की कहानी बेस्ड है तानाजी मलसूरे के ऊपर और पूरी तरह से उनकी लाइफ को ही दर्शाया जा रहा है, ना कि संजय लीला भंसाली की फिल्मों की तरह इसमें भी लव स्टोरी घुसेड़ दी। सबसे अच्छी बात यही है कि फिल्म को सिर्फ और सिर्फ युद्ध की तरफ दर्शाया गया और ना कि फालतू के लव स्टोरी भरने की कोशिश की। तो इसके लिए एक बार फिर से अजय देवगन को हैट्स ऑफ। वही दोस्तों बात करें अगली पॉजिटिव चीज के बारे में, तो अगली पॉजिटिव चीज है इस फिल्म के सेट्स और VFX। जी हाँ दोस्तों, जब जब हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी फिल्म बनती है तो उनमें सबसे बड़ा योगदान रहता है सेट्स का, और दूसरी चीज रहती है VFX। तो दोस्तों तानाजी द अनसंग वॉरियर के ट्रेलर का VFX भी बिल्कुल परफेक्ट है, वही जो सेट्स है वो भी काफी ग्रैंड लग रहे हैं। वही दोस्तों ट्रेलर की अगली खास चीज है इस फिल्म के डायलॉग। जी हाँ दोस्तों, डायलॉग काफी दमदार है और काफी परफेक्ट है, और ये डायलॉग सुनकर हर किसी को इंडियन होने पे फील प्राउड होने वाला है, और इन डायलॉग्स पे थिएटर में इतनी सीटियां और इतनी तालियां बजने वाली है कि ये फिल्म आपको दो दो बार देखना पड़ सकती है। वही दोस्तों अगली सबसे खास चीज है वो है इस ट्रेलर का बैकग्राउंड म्यूजिक। जी हाँ दोस्तों, ट्रेलर का बैकग्राउंड म्यूजिक काफी इंटेंस और काफी धमाकेदार है, और यकीन मानिए फिल्म की जो थीम है उस तरह से इस फिल्म का बैकग्राउंड काफी परफेक्ट लग रहा है, और इस तरह के बैकग्राउंड म्यूजिक में इस तरह की फिल्में देखने के एक अलग ही मजे आते हैं। वही दोस्तों अगर बात करें स्टार कास्ट की एक्टिंग के बारे में, तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं अजय देवगन सर की। तो अजय देवगन सर की एक्टिंग के बारे में क्या कहने हैं, ऐसे ही नहीं उन्हें 2 नेशनल अवार्ड मिले। जी हाँ दोस्तों, अजय देवगन की एक्टिंग हमेशा से ही परफेक्ट रही है, फिर चाहे वो कॉमेडी रोल करे, इंटेंस रोल करे, एक्शन रोल करे, या फिर पूरी वाले का रोल करे, सभी तरफ से वो फाड़ देते हैं। वही दोस्तों बात करें सैफ अली खान की एक्टिंग की, तो सैफ अली खान की एक्टिंग भी काफी लाजवाब है। जी हाँ दोस्तों, ट्रेलर में उनके 3-4 सीन दिखाए गए हैं, और 3-4 सीन में भी वो कहीं ना कहीं फाड़ के रख देते हैं, और जब जब नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करने की बात आती है तो हम सब जानते हैं कि सैफ अली खान काफी बढ़िया नेगेटिव रोल प्ले करते हैं, तो इस फिल्म में भी उनका नेगेटिव रोल देखने में बड़े मजे आएंगे। इसके अलावा दोस्तों काजल मैम को ज्यादा तो नहीं दिखाया गया, लेकिन उनकी एक्टिंग भी बढ़िया है। ओवरऑल दोस्तों घुमा फिरा के देखे जाए तो ट्रेलर पूरी तरह से परफेक्ट है, और ये फिल्म 2020 की पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म बनेगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि फिल्म रिलीज होने वाली जनवरी में, और शायद जनवरी की ये सबसे बड़ी फिल्म है, और यकीन मानिए कि ये फिल्म अजय देवगन के करियर की भी सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है, क्योंकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कम से कम 250 से 300 करोड़ तक की कमाई कर सकती है। चलिए 300 करोड़ तो काफ़ी बड़ी बात हो गई, लेकिन ये समझ लीजिए कि 250 करोड़ तो इस फिल्म के कहीं नहीं गए, क्योंकि दोस्तों ये फिल्म महाराष्ट्र एरियाज में ही कम से कम 100 से 120 करोड़ की कमाई करेगी।
तो ये समझ जाइए तानाजी द अनसंग वॉरियर महाराष्ट्र एरिया में तो हफ्ते दो हफ्ते हाउसफुल चलने वाली है। वैसे दोस्तों तानाजी का ट्रेलर अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो ट्रेलर देख के जरूर आए, ट्रेलर काफ़ी धमाकेदार है। और अगर आपने ट्रेलर देख लिया तो ये ट्रेलर आपको कैसा लगा, सुपरहिट या ब्लॉकबस्टर, अपने राय मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और डेली बॉलीवुड और साउथ की हर एक नई अपडेट के लिए मेरे और आपके इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।